हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो एक नया साल और एक नया ट्रैक आ गया, तो इस बार का जो हमारा ट्रैक है वो है कुछ काफ़ी ऊंचा। तो वैसे तो ठीक है ये ट्रैक, लेकिन इसकी उतराई थोड़ी सी है, तो उसकी बात तो अभी पूरे ट्रैक में चलेगी चलेगी। तो जो मेन चीज़ है वो ये है, जो आप लोग हमेशा चाहते हैं कि मैं बताऊँ कि सामान लेके क्या जा रहे हैं, कुछ ऐसा रह तो ना जाए आपका भी, आप भी भूल जाओगे यार ये तो बताया नहीं वैसा। तो आइए फिर इधर से शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी चीज़ जो कि हमारा बैग है, तो 70 लीटर्स का बैग है, जो कि आपने पहले भी सारा कुछ पता है लेकिन हमें बताना बहुत ज़रूरी है हर एक चीज़ में। ये हमारा बैग 70 लीटर्स का, और बैग कवर जो हमें चलते वक्त रेन कवर काम आएगा, और उसके बाद हमारा आएगा स्लीपिंग बैग सोने के लिए। उसके बाद हमारा आ गया ये कुछ जो गार्बेज बैग्स होते हैं बड़े वाले, तो ये रखने बड़े ज़रूरी हैं। आप चार रख लो बहुत है, अगर फट जाए एक तो वैसे टेप भी लगा सकते हैं, लेकिन ये बैग में रखी दो आप तो बढ़िया रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ गई हमारे शूज़, तो शूज़ की वीडियो अलग से पड़ी है चैनल पे, आप देख सकते हो। और सैंडल्स नदियाँ क्रॉस करने के लिए, और ये है क्रैम्पॉन्स। क्रैम्पॉन्स को हमेशा ही ज़रूरी होते हैं हर जगह जाने के लिए, कुछ ट्रैक्स पे नहीं भी ज़रूरत होती लेकिन हम ले ही जाते हैं कई बार, क्या पता कहाँ पे कब बर्फ का तूफान आ जाए और बर्फ़ ज़्यादा पड़ जाए, ये चीज़ें। और एक और चीज़ जो इन सब के रिलेटेड है वो है हमारा मैट, तो मैट भी बहुत ज़रूरी है। इस बार तो जो ट्रैक है उस पर हमने बर्फ पे भी सोना है, तो मैटिंग की तो हमेशा ही ज़रूरत पड़ती है। और अब आ जाते हैं इनके साथ ही रिलेटेड जो एक और आइटम है वो हमारी ये रस्सी। इस बार रस्सी हमने थोड़ी सी बहुत बड़ी ली है, ये कुछ है 75 फीट 25 मीटर। तो ये जो जब हमने उतरना है तो वहाँ पे थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए हम इसको ले रहे हैं। और स्टिक आ गई है हमारी, और ये आ गया हमारा टेंट। ये टेंट का एक हिस्सा है जो मेरे पास है, बाकी के हिस्से सबके पास है, अरुण भाई के पास है, ललित के पास है। और उसके बाद आ गई आइस, ये स्टिक, क्या बोलते हैं इसको, आइस एक्स। इसको हमने ऐसे रखा हुआ है अभी फ़िलहाल पकड़ने के लिए, काफ़ी लंबी चौड़ी और बड़ी स्टिक है ये। ये देखो, अगर आम के हिसाब से तो इतनी लंबी स्टिक है, और आगे से तिक्की होती है, अभी रबड़ लगाई हुई है, तो इसके वीडियोस आप देख सकते हो नेट पे। और ये सामान हो गया, अब आते हैं हम कपड़ों के ऊपर, एक कपड़े कौन से हमने लेके जाने हैं। सबसे पहले जो है वो मेरे पास हैं तीन टी शर्ट्स रखी हैं मैंने। और उसके बाद आ गए टी शर्ट्स के बाद इनर आ गए हैं, एक ऊपर का इनर एक नीचे का इनर। और उसके बाद आ गया हमारा फ्लीज़, ये फ्लीज़ है एक, ये काफ़ी गर्म होती है और ये मतलब लाइट वेट बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ही मतलब मैंने वैसे भी पहन के देखी है तो काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो इससे ठंड रुकेगी। इस बार मैं स्वेट शर्ट नहीं लेके जा रहा, फ्लीज़ लेके जा रहा। उसके बाद आ गया स्वेटर, ये स्वेटर है तो ये काफ़ी काम आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा ठंड रोकता है स्वेटर, तो ये मैं तो ले ही जाता हूँ, कुछ लोग नहीं भी लेके जाते। उसके बाद आ गई हमारी जैकेट, तो ये ऊपर ऊपर की लेयर्स हैं जो मैंने पहले आपको बताई, उसके बाद डाउन लेयर्स हैं जो, और नीचे का हो गया ये मतलब नीचे का वार्मर हो गया, और एक पैंट, ये ट्रैकिंग पैंट मैंने स्पेशल ख़रीदी है इस बार, अभी देखते हैं इसके क्या रिव्यू है क्या नहीं, लेकिन मैंने ख़रीद लिया है, ये बहुत है इसके लिए। और मेरे पास एक और भी चीज़ है, ये घुटनों पर पहनने के लिए है, नी स्पोर्ट होती है ये काफ़ी गर्म भी है, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, लेग पे भी पहन लो चाहे उल्टा करके, इसको यहाँ से फंस जाएगा अगर घुटना दर्द हुआ पिछली बार की तरह अगर, तो इसको मैं पहन लूँगा। तो ये सारी चीज़ें आ गई हैं। उसके बाद हमारे पास आ गए हैं 3 पेयर ऑफ हैंकी, और हमारे पास आ गए हैं एक वैसी हैंड टावल ले लिया मैंने, अंडरवेयर के 3 पेयर हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सॉक्स हो गई हैं, 4 पेयर ले लिए मैंने, गर्म है सारी की सारी, 4 की 4। और उसके बाद आ गया ये बंदाना, और ये भी हैं कुछ जो मैं पहनता रहता हूँ सन वगैरह से बचाने के लिए, वो चीज़ें। कैप हो गई है, और ग्लव्स हो गए हैं, 2 पेयर मैंने ग्लव्स लिए हैं, एक वुलन के हो गए हैं, और ये मेरे को एक ट्रैक से मिले थे, बस मैंने वही यूज़ कर रहा हूँ मैं, मेरे को मिल गए थे, किस्मत थी मेरी मिल गई। और उसके बाद है 2 गर्म पट्टी, अगर कहीं पर काम आई यानी कि ज़्यादा ठंड लगी तो चेस्ट पर बांध लो, या अगर कहीं दिक्कत हो गई कोई तो वहाँ पर। और एक सबसे ज़रूरी चीज़, शूज़ के साथ हमने ये गेटर्स हैं, गेटर्स होते हैं जैसे, इनको शूज़ के साथ लेग्स पे पहन लेते हैं,
अगर 2 फुट बर्फ भी है तो ये अंदर जाने से रोक लेती है। तो ये सारी चीज़ें होगी, कपड़े हो गए और टेंट, और अब चीज़ें हैं खाने की। खाने की लास्ट वीडियो में जो वार्म अप वीडियो है उसमें मैंने कुछ एक्सेल शीट्स शेयर की थी और उसमें बताया भी था हमने क्या क्या खरीदा क्या क्या नहीं खरीदा। सबसे पहले मैं बात करूँगा कॉमन सामान की, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कॉमन सामान में हमारे पास जो ये MTR की रेडी टू ईट मील्स हैं, इनको बस पानी में गर्म करो और खा लो। कॉमन सामान में हमारे पास राइस है, शुगर है, मिल्क है, कॉफ़ी है, ये मैगी भी है काफ़ी सारी। मेरे पास इतना ही सामान आया क्योंकि मेरे को इतना ही मिला है, सबको डिवाइड किया गया। मैगी है, पास्ता है, कुछ इलायचीज़ हैं खाने पीने के लिए रास्ते में। तो ये सारी चीज़ें कॉमन में है, और भी हैं सारा कुछ जो कि आपको जब हम खाना बनाएंगे उन वीडियोस में और भी दिखता रहेगा। और उसके बाद जो मेरा खुद का सामान है खाने का, वो है सबसे पहले बिस्किट्स। हाइड एंड सीक हो गया, यूनिबिक हो गया, ट्रीट हो गया, ये मैंने अलग अलग इसलिए लिए हैं क्योंकि टेस्ट बना रहे, दिल करता रहे खाने का, यार चलो यार वो खा लेते हैं और इससे हमारा ना वेट लूज़ हो और एनर्जी भी ना लूज़ हो। चॉकलेट्स भी मैंने अलग अलग लिए हैं। वैसे तो वेफ़र वाली चीज़ें खाने का दिल करता है तो मैंने 3 वेफ़र ले लिए, 3 नॉर्मल चॉकलेट्स ले लिए, तो मैं पहले 2-3 दिन में ही खा लूँगा। तो ये जेलीज ली है, उसके बाद ये चॉकलेट्स होगी, ठीक है। उसके बाद ड्राई फ्रूट में एक फिट मिक्स मिला था एक, अभी देखेंगे इसको खा के। एक्चुअली ये भी खाने का दिल नहीं करता वहाँ पे, मैं इसलिए बता रहा हूँ ये चीज़ें कि आप लेके तो जाओ, कई बार बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। इसमें मैं ये चने मिक्स करूँगा थोड़े से, और थोड़ी सी ये पीनट्स हैं, इन दोनों चीज़ों को इसके बीच में मिक्स कर दूँगा मैं, ठीक है। ये मेरा सारा पर्सनल हो गया। और उसके बाद वेफ़र है, ये तो बस वैसे ही ले लिए, चलो चलते फिरते कुछ खा लिया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो खाने की होगी। अब एक और भी चीज़ है कि अब हम जा रहे हैं तो हमें थोड़ा सा ग्लूकोज की भी ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए ना मैंने इस बार मैं इलेक्ट्रॉल ट्राई करूँगा। इसमें जो साल्ट्स हैं वो सारे इसके बीच में ही होते हैं, तो मैं इसको ट्राई करूँगा कि इसके रिजल्ट्स क्या हैं, फिर इसके बाद पता लग गया अभी हाँ ग्लूकोज ही अच्छा है या ये। और वैसे ही मुँह चलाने के लिए ये कैंडीज़ हैं, ये ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज़ हैं। अभी जो फेवरेट थी वो कोला फ्लेवर था, लेकिन कोला मिला ही नहीं, क्या कर रहे हैं। अब ये जेली भी है थोड़ी सी, ये भी ले लिया, तो मेरे को लगता है कोई खाएगा नहीं, छोड़ दूंगा इसको मैं। तो ये सारी चीज़ें खाने में आ गई हैं। अब मेडिसिन की जो है, ये है फिश ऑयल कैप्सूल्स, बॉडी की लुब्रिकेशन के लिए हमने इनको लिया है। तो इसको वैसे 10-1 दिन पहले भी खाते हैं, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो एक एक खा लिया करो। उसके बाद आ गई मल्टीविटामिंस की गोलियां ले लेते हैं। और ये सारी जो हैं एक डिस्प्रिन होगी, सर दर्द की दवाई, ये 4 मेडिसिन है। ये हमारी पिछले साल वाली वीडियो देख लेना, पिन पापा पास ट्रैक, जब मैं सामान बता रहा हूँ तो अरुण भाई ने वहाँ पे अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है ये 4 मेडिसिन क्या हेल्प करती हैं आपकी, ठीक है। मेडिसिन होगी, खाना पीना हो गया, सब कुछ हो गया। अब आई बात सनस्क्रीन वगैरह की, तो ब्रश रख लिया मैंने, पेस्ट रख लिया, पेपर सोप रख लिया क्लीनिंग के लिए, और उसके बाद थोड़ा हेयर ऑयल लगाया रखा हुआ मैंने। मेरे बाल ना इस बार बढ़ गए हैं तो मैंने कटवाए नहीं है, तो तब मेरे को हेयर ऑयल भी लेके जाना पड़ रहा, नहीं तो मैं लेके नहीं जाता, क्रीम ही लगा लेते हैं। और साथ में कोल्ड क्रीम भी है, कुछ ये हैं ईयरबड्स साफ़ करने के लिए। सनस्क्रीन है जो वो 50+ है, ये शेयरिंग में नहीं है शायद, 50+ है तो इस बार लगाएंगे। लास्ट टाइम तो बहुत बुरा हाल हुआ था, नाक का सारी स्किन ही फट गई थी। और एक माचिस रखी हुई है हमने, कभी कभी आग उग जलाने की ज़रूरत पड़ गई तो। और खाने में वाटर बॉटल होगी, ठीक है, एक कप हो गया, जैसे कोई वाटर स्ट्रीम हो रही है वहाँ से फटाफट पानी का भर लिया कप, वहाँ पर पी लिया। स्पून और बाउल हो गया खाना खाने के लिए। तो ये इस खाना पीना खाने के लिए ये चीज़ें होगी। अब और भी है, जैसे वीडियो रिकॉर्ड करनी है, गोप्रो रखा हुआ मैंने और चेस्ट माउंट लगाया हुआ है, और ये बस चेस्ट पे लगाओ, गोप्रो जहाँ मर्जी वीडियो बनाओ, उल्टा सीधी जो भी टहरें आती है बटन दबाओ, चलने दो। और उसके बाद आ गई बैटरी चार्जर है, ये 2 बैटरी एक साथ चार्ज कर देता है, और इसमें एक बैटरी भी है। वायर है चार्ज करने के लिए, पावर बैंक है, 20,000 mAh का पावर बैंक है मेरे पास। और कार्ड है मेरे पास, फिलहाल 3 कार्ड है 64 GB के, जो कि 6-7 दिन 8 दिन आराम से कवर कर देंगे। और उसके बाद है हेड टॉर्च, ये बहुत ज़रूरी है, और उसके सेल भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने नए सेल डाले हैं तो और भी लेके जाओ, कभी ऐसा ना हो कि हाई एल्टीट्यूड में जाओ और सेल ख़राब हो जाए तो आपके पास ऑप्शन ही ना हो। और ये हमारे पास है गार्मिन का, जो हमारा एल्टीट्यूड बताता है, रास्ता बताता है, इसको हमने अच्छे से ना इसमें मैप डाला हुआ है तो हमें बताता रहेगा। थोड़े से प्रिंट्स भी हैं हमारे पास, लेकिन इसको हमने इस बार हमेशा ही तैयार करते हैं इसको, तो ये तैयार किया हुआ है। मुश्कपूर है, अगर ऑक्सीजन की कमी होती है, वैसे मेडिसिन भी हैं लेकिन ये भी है, दोनों सोर्स हैं। और एक है हमारे पास ये गॉगल्स, ये जब बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही होती है और उधर स्नो ही स्नो होती है ग्लेशियर पर, तो
उसके लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी ये रस्सी रखी हुई है थोड़ी सी हमने, ये वैसे हेल्प कर देती है लाइट से, किसी की पैंट की बेल्ट टूट गई या कुछ भी सामान हमने बांधना है या गले में गोबरो बांधना है तो इससे बांध लेंगे। और लास्ट में आ गया हमारा फ़ोन, और फ़ोन तो लेके जाओगे डेफिनेटली आप। तो ये सारा सामान है जो पैक किया गया है ट्रैक पे जाने के लिए। तो अब जो ट्रैक का नाम बताना है वो भी है, तो ट्रैक का नाम है हमारा बाली पास का ट्रैक। तो इसकी हाइट भी अभी बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में या बीच में, और भी देखते रहेंगे काफ़ी कुछ है, बड़ी लंबी चौड़ी बातें होनी है। अभी तो सामान ही बताया, अभी तो लंबा ट्रैक चलना है। कितने दिन का हमारा ट्रैक? 5 और 2 7 दिन का, तो 10 दिन लगा के चलो, आना जाना भी तो है, तो शायद अगर घूमने का होगा तो वहाँ पे घूमेंगे भी। ठीक है जी, सब कुछ बता दिया आपको जो हमारा सामान हम पैक करके लेके जा रहे हैं। मिलते हैं फिर आगे ट्रैक पे, बताऊंगा धीरे धीरे कैसे जा रहे हैं कैसे नहीं जा रहे हैं।